नमस्कार, मैं चंद्रकांत कोटेचा आज आपके सामने बात करूंगा राग हंस ध्वनि की। पहले हंस ध्वनि राग में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी खासियत देख लेते हैं, इसके बाद आज हम हंस ध्वनि का आलाप देखेंगे। तो हंस ध्वनि बिलावल थाट का एक राग है, यानी कि सारे स्वर शुद्ध आते हैं, इसमें कोई स्वर कोमल तीव्र नहीं है। ये ओडव जाति का राग है, यानी कि पांच स्वर वाला राग है। इसमें म और ध बिल्कुल पूर्णतया वर्जित है, यानी कि इसमें पांच ही स्वर आते हैं, सारे ग प नी सा। तो इसका आरोह होता है सारे ग प नी सा और अवरोह होता है सानी प गरे सा। इसका वादी स्वर है सा और संवादी स्वर है प। इसका आरोह अवरोह देख लेते हैं एक बार। हंसध्वनि राग में आलाप कैसे किया जाता है इसका थोड़ा सैंपल देखेंगे। बाद में आप चाहें तो आलाप के रूल्स ध्यान में रखते हुए अपने खुद के आलाप भी इसमें बनाकर जोड़ सकते हैं और कुछ लंबा आलाप आप खुद बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा सैंपल आलाप आपके सामने नोटेशन के साथ गाकर और बजाकर प्रस्तुत करता हूँ, ताकि आप चाहें तो इसको फुल्ली तैयार कर सकें। पहला आलाप देखें। तो यहाँ नी पा ऐसे लेना है, तो थोड़ा सा ध का स्पर्श आ सकता है, ध वर्जित है लेकिन स्लाइटली स्पर्श लेके नी पा ऐसे लेते हैं। प नी यानी प स नी, या सा का कर्ण स्वर लिया है प स नी नी सा। दूसरा यहाँ पे पनी, पहला जो पनी है वहां पे सा का कण है पनी पसनी
और जब सा रे है तो यहाँ पे ग का कण है। सा रे सा ग रे ग सा रे, यहाँ भी ग का कण है। सा ग रे नी प, ये मीन से नी प है, नी प प सा नी रे सा ग रे पे ख्याल रखना है, लास्ट जो स्वर है उसको एक्सटेंड करना है, लंबा सा बजाना है। पनी नी नी सारे Thank you.
यहाँ पे ऊपर के साग के ऊपर वॉइस मॉड्यूलेशन है, देखिए वो कैसे है। गरे गपनी यहाँ नी के ऊपर सा ऊपर के सा का कण है। गरे ग प नी सनी गरे ग प नी 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 प प नी सा। अब ये नी को भी खटके के साथ लेना है। प नी सा सा का आवाज जो है मॉड्यूलेटेड है। पनीसा इस तरह से लेना है। जो पहला सा है वो खटके के साथ है। सा खटके के सरे प गरे ग प नी सारे। तो यहां सागरे यहां भी गरे नी पर पहले जो लिया था उस तरह से गरे नी प सा नी प ग सा गरे। गरे ग प नी सा रे रे ग सा रे नी प सा प नी सा रे ग प रे ग रे नी प ग सा रे प नी सा रे ग प रे नी प सा। एक और लास्ट आप देख लेते हैं। यहां शुरू में अलंकार है चार स्वर वाला। पनी सारे नी सारे गा परे गा पनी गा पनी सा पनी सारे गा सा सारे गा परे।
हंस ध्वनि का आलाप, आप इसको जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। मैंने पहले आलाप बजाने के कुछ नियम का एक ट्यूटोरियल दिया हुआ है, उस ट्यूटोरियल में आप देख लीजिए, जहाँ पे राग के न्यास स्वर है या वादी समाधि स्वर है वहाँ ठीक से ठहराव करना है। जो आलाप का लास्ट स्वर है उसके ऊपर भी आराम से एकदम एक्सटेंशन करना है, ठीक से ठहराव करके लंबा बजाना है। और आपके मन में जो भी आइडिया आए, जो भी स्वर आए, जो भी अलंकारिक स्वर आए, सब आराम से वन बाय वन बहुत स्लोली स्लोली बजाते जाइए। और जितना हो सके उतना मीन कर्ण गमक खटका मुर्की उसके अंदर ऐड करते जाइए। बहुत बढ़िया सा आराम से लंबा सा आलाप आप बजा पाएंगे। तो ये मैंने कुछ सैंपल आलाप आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस भी अवश्य करना। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह के और भी एपिसोड और इस तरह के और भी ट्यूटोरियल्स के नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। मैं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। राग हंस ध्वनि प्रचलित हंस ध्वनि राग कर्नाटक संगीत का राग है। वर्तमान समय में उत्तर भारतीय संगीत में उसका प्रचार है। इसको हम बिलावल थाट जन्य मान सकते हैं। मध्यम और धैवत वर्जित हंस ध्वनि राग की जाति ओडव ओडव है। उसके वादी और संवादी के बारे में मतभेद है। कई विद्वान षडज को वादी और पंचम को संवादित्व प्रदान करते हैं, तो कई गुणीजन ऋषभ पंचम को वादी संवादी मानते हैं। कई गुणीजन गंधार निषाद